हाय, वेलकम टू वी एल लर्नर्स. मैं रचना. हम आपके लिए ऑनलाइन ट्यूशन शुरू करें जिसमें क्लास 10 मैथ्स के सारे चैप्टर्स रेगुलर अपलोड करेंगे. रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं. मोरओवर, हर वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनका कमेंट में रिप्लाई जरूर करें. उनके आंसर्स आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में मिल जाएंगे. तो आइए देखते हैं लास्ट वीडियो में पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर्स. यहाँ कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दी गई है. सो हियर वी हैव टू फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय एनी अलजेब्रिक मेथड. हमें अलजेब्रिक मेथड्स पता है, ये तीन हमने सीखा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. इन तीनों मेथड्स में से किसी भी एक मेथड को यूज करके ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हम फॉर्म करेंगे उसका हमें सॉल्यूशन निकालना है इस वर्ड प्रॉब्लम के लिए. नाउ दिस इज द थर्ड वर्ड प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 4. यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर. ये जो टेस्ट है इसमें नेगेटिव मार्किंग है. तो चलिए, लेट द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स जो यस ने दिए हैं बी एक्स एंड द नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर और जो या आप इसको रॉन्ग आंसर लिख सकते हैं रॉन्ग आंसर्स बी वाई. यहां फर्स्ट कंडीशन दिया गया है कि यस स्कोर्ड 40 मार्क्स. अब देखिए, एंड गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर. अब देखिए, नंबर ऑफ जो करेक्ट आंसर्स हैं वो है x और नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स हैं y. अब इसको 3 मार्क्स मिले हैं राइट आंसर्स के लिए, सो दिस इज थ्राइस x और इसने लूज किया है 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर और नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स y है और लूज कितना किया है 1 मार्क्स है. सो 1 इंटू वाई मैंने टोटल मार्क्स कितने इसने लूज किए हैं, 1 इंटू वाई विल बी इक्वल्स टू वाई. सो ये हो गए टोटल मार्क्स. अब देखिए, करेक्ट आंसर्स इसने जितने दिए हैं उतने तो इसको मार्क्स मिले ही हैं, पर उतने मार्क्स में से रॉन्ग आंसर्स के मार्क्स यदि मैं डिडक्ट कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ देखिए लिखा गया है कि ये लूजिंग है, ये इसका मतलब यहाँ नेगेटिव मार्किंग है गलत आंसर देने के लिए. तो गलत आंसर का जो करेक्ट आंसर में से रॉन्ग आंसर का मार्क्स यदि हम डिडक्ट कर देते हैं तब ये हमारा टोटल मार्क्स हो जाएगा. सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड कंडीशन दिया गया है कि हैड 4 मार्क्स बी अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर. सो करेक्ट आंसर नंबर ऑफ करेक्ट आंसर एक्स है, सो 4 मार्क्स यदि उसके लिए हम दे दिया जाता है एंड 2 मार्क्स हैज बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर. सो नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स वाई और इसने यहाँ 2 मार्क्स दिए गए हैं उसके लिए, सो टोटल मार्क्स कितने डिडक्ट होंगे इसके, ट्वाइस वाई. देन यस वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स. ऐसे केस में उसको 50 मार्क्स होते हैं. अब देखिए, करेक्ट आंसर्स के जो मार्क्स हैं वो 4x हो गए, उसमें से हम डिडक्ट कर देते हैं रॉन्ग आंसर्स के मार्क्स, तो टोटल जो मार्क्स हैं वो हमें मिल जाएंगे. सो सेकेंड इक्वेशन. अब देखिए, ये जो सेकेंड इक्वेशन सेकेंड केस जो है, यहाँ मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकती हूँ. इसको यदि मैं सिंप्लीफाई करती हूँ, दैट इज सेकेंड केस के में मैं बता रही हूँ, इसमें देखिए सेकेंड केस में मैं 2 कॉमन ले सकती हूँ. यदि मैं 2 कॉमन लेती हूँ, सो दिस इज ट्वाइस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 25. सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस एज सेकेंड इक्वेशन 2, मैं इसको इक्वेशन 2 लिखूंगी. अब देखिए, इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया. पहले वाले से करेंगे तो भी हो जाएगा, बट इसको मैं सिंप्लीफाई करके करूंगी, कैलकुलेशन करने में आसानी होगी. अब देखिए, हमारे पास 2 इक्वेशन है. अब इसको हमें यहाँ एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करनी है. देखिए, हमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं. सो यहाँ मैं एलिमिनेशन मेथड यूज़ करूँगी. सो पहले मैं इक्वेशन 1 लिख लेती हूँ यहाँ. सो इक्वेशन 1 इज थ्राइस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 40 एंड सेकेंड इक्वेशन इज ट्वाइस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 25. सो इक्वेशन 1 से यदि मैं इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ तो यहाँ मुझे मैं एलिमिनेट कर सकूँगी एक वेरिएबल, दैट इज y को मैं एलिमिनेट कर सकूँगी. ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव. दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव, मैं कैंसिल कर सकती हूँ. सो नाउ दिस इज x इक्वल्स टू 15. मुझे x की वैल्यू मिल गई है और ये है 15. नाउ सब्स्टिट्यूटिंग
द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन टू. देखिए इक्वेशन टू में मैं सब्सटीट्यूट कर रही हूँ एक्स की वैल्यू, क्योंकि देखिए इक्वेशन टू सिंपल है, इसीलिए आप वन में करोगे तभी भी आपको ये आंसर मिल जाएगा. इक्वेशन टू है टू इंटू एक्स, एक्स की जगह मैं 15 लिखूंगी, माइनस वाई इक्वल्स टू 25, इम्प्लाइज 30 माइनस वाई इक्वल्स टू 25, इम्प्लाइज माइनस वाई इक्वल्स टू 25 बाई ट्रांसपोजिंग नेगेटिव 30 इक्वल्स टू माइनस 5. या नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल कर सकते हैं, देयरफॉर वाई इज इक्वल्स टू 5. हमें वाई की वैल्यू मिल गई, ये है 5 और एक्स की वैल्यू है 15. अब देखिए इसका मतलब हो गया जो करेक्ट आंसर है, ये देखिए करेक्ट आंसर जो है ये है 15, इसने करेक्ट आंसर्स दिए हैं और रॉन्ग आंसर इसने दिए हैं 5. हमें यहाँ क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी क्वेश्चंस वेर देयर इन द टेस्ट. देखिए टेस्ट में जितने भी क्वेश्चंस थे उसी के तो इसने आंसर दिए हैं, तो ये हो गया हेंस टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज इक्वल्स टू करेक्ट आंसर इसने जितने दिए हैं प्लस रॉन्ग आंसर दिए हैं, वो दोनों मिला के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाते हैं और ये है 20 आंसर. अब देखिए वी आर नॉट येट डन, अब एक पार्ट हमारा अभी भी बाकी है, दैट इज वेरिफिकेशन का. वेरीफाई हम किस में करते हैं, हम वेरिफिकेशन किस में करते हैं, ओरिजिनल जो क्वेश्चन है उसमें सब्सटीट्यूट करते हैं, जो वैल्यूज हमने फाइंड की एक्स और वाई की इसको इसमें सब्सटीट्यूट करके हम देखेंगे कि ये सही है या नहीं. आइए अब देखते हैं आज के सवाल. आप जल्दी से कमेंट में इनकी रिप्लाई करें, मोरओवर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं सो दैट आपको हमारे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें. सो आज के लिए यहीं तक, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.